हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे सेवैया खीर। उसके लिए हमने एक बाउल भरकर सेवैया लिए, दूध लिया है, चीनी लिए, काजू बादाम और इलायची का पाउडर लिया है। सबसे पहले सेवैया को हम एक कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस को चालू करके इसमें डाल देते हैं सेवैया को कढ़ाई में, और इसको हल्का ड्राई रोस्ट करते हैं सुनहरा होने तक। सेवैया हमारी ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब इस कढ़ाई को नीचे रख देते हैं और जो दूध लिया था वो भगोनी को गैस पे रखेंगे और गर्म होने देंगे इस दूध को। दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब जो सेवैया को हमने ड्राई रोस्ट किया था वो दूध में डाल देंगे। अच्छे चलाते रहेंगे इसको, अगर नहीं चलाएंगे तो सेवैया सारी जो तले में जाके चिपक जाएगी। इसको चलाते रहना है थोड़ी देर के लिए। सेवैया की खीर चावल की खीर से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये बनाने में बहुत ही आसान है। आप भी कोई भी अपने त्यौहार पे घर में कैसे भी बनाकर खाइए इस खीर को। दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें जो चीनी ली थी हमने वो डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। चीनी अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालें, कम या ज़्यादा जितना भी आपको पसंद हो खाना। और अच्छे से चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। खीर हमारी बन चुकी है। अब इसमें मिलाएंगे जो इलायची का पाउडर लिया था वो, और मिक्स कर देंगे। इलायची मिक्स हो चुकी है। अब जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो डाल देंगे और 1 मिनट के लिए और पकने देंगे इसको। खीर हमारी पक चुकी है। अब गैस को कर देंगे बंद और खीर को एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। फटाफट से बन जाती है चावल। जितनी खीर में टाइम लगता है उतनी टाइम लगता नहीं है इस खीर बनाने में। ये खीर एकदम फटाफट से बन जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। इसको गर्म गर्मा गर्म ही सर्व करें। ऊपर से डालेंगे डेसिकेटेड नारियल। और थोड़ा सा खसखस भी डालेंगे इसके ऊपर, इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की एकदम ये न्यू रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।